ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है रेडिक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के स्मार्टफोन्स के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आपका डिवाइस ओवरहीट हो रहा है, या फिर नॉर्मली भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपका स्मार्टफोन ओवरहीट हो रहा है, बैटरी ड्रेन का इशू आ रहा है, या फिर फॉर एग्जांपल आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जा रही है, एंड कुछ इस तरीके के एरर्स आ रहे हैं आप, तो आप इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसी के बारे में आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी सिंपल और ईजी यहाँ पर जो है चीज़ सामने निकल करके आई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और एरर आ रहे हैं। वेल एज यू नो, यहाँ पर आपने कुछ टाइम पहले देखा भी होगा कि सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स हैं उनके जो अपडेट्स हैं वो किस तरीके से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारे अपडेट्स या मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सभी अपडेट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है कि एप्लीकेशंस को अपडेट किया गया है। अब वो किस तरीके का अपडेट किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो है इस अपडेट को, अगर कोई भी ऐसा अपडेट आता है आपके डिवाइस में, आप अपडेट करते हो तो आपको अपडेट करने के बाद में जो है उस एप्लीकेशन या पर्टिकुलरली उस एप्लीकेशन का आपको जो है एक सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन देखने को मिल जाता है गैलेक्सी स्टोर एप्लीकेशन के अंदर। एंड आप जब वो अपडेट को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपके स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या मैं कहूँ कि उस एप्लीकेशन की वजह से अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर कोई भी एरर आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका स्मार्टफोन के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है उस एप्लीकेशन, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के वजह से, क्योंकि वो कोई ग्लिच क्रिएट कर रहा है जिसके बाद में जो है आपका स्मार्टफोन के अंदर एरर आ रहा है जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है, या फिर मैं कहूँ कि जो बैटरी ड्रेन इशू है वो बढ़ गया है, तो इतनी इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। एंड यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा, और सैमसंग ने रिसेंटली इस चीज़ को रिवील भी किया है कि जितने भी स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड 12 वर्जन 4.1 पे या फिर 4.0 पर अपडेट किए गए हैं उन सभी स्मार्टफोन्स के लिए जो ये अपडेट हैं एप्लीकेशंस के वो रोल आउट किए गए हैं, एंड अपडेट के अंदर भी रोल आउट किए गए हैं, तो आप अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में जो है गैलेक्सी स्टोर पे जाएं एंड जितने भी आपके पेंडिंग्स हैं अपडेट्स उन सभी एप्लीकेशंस को अपडेट जो है इंस्टॉल कर लें, एंड उसके बाद में जो आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो जो है एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, जो मैक्स टू मैक्स परफॉर्मेंस को निकालनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मेरे को लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए कि अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है या कोई भी ऐसे परफॉर्मेंस इश्यूज़ आ रहे हैं या बैटरी बैकअप के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप जो सॉल्व कर सकते हैं इस काफ़ी सिंपल और इजी तरीके से। कई बारी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों से जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर हम अपने डिवाइस को रीसेट करते हैं, एंड मतलब मालूम नहीं होता है, काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज मतलब नहीं होती इस चीज़ के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो होपफुली आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी अच्छे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।